चढ़ती कला। नमस्कार, मैं रचना शर्मा, चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों के सवालों का सामना कर रही मोदी सरकार ने अब जवाब देने का प्लान तैयार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के सभी विभागों और मंत्रालयों में खाली रिक्त पदों को भरने के लिए मिशन मोड में भर्ती अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार अगले 1.5 साल में अपने विभिन्न विभागों में 10 लाख भर्तियां करेगी। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रालयों एवं विभागों में मानव संसाधन की समीक्षा की है। इसके साथ ही उन्होंने आदेश दिए हैं कि अगले 1.5 वर्ष में मिशन मोड में 10 लाख भर्तियां की जाएं। सभी विभागों को तेजी से कार्रवाई करनी होगी। प्रधानमंत्री का साफ निर्देश है कि तय समय में भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए। पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के भव्य समापन अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा खेल अकादमी बनाने की घोषणा की है, जिसमें देश भर के खिलाड़ी प्रशिक्षण ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए पंचकुला में एक हॉस्टल खोला जाएगा। इसमें 200 खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री ने खेलो इंडिया में हरियाणा के मेडल विजेता खिलाड़ियों को मिलने वाली इनाम राशि को भी डबल करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 1 लाख रुपए, सिल्वर मेडल जीतने वाले को 60,000 रुपए और ब्रॉन्ज मेडल लाने वाले खिलाड़ी को 40,000 रुपए दिए जाएंगे। केवल यही नहीं, उन्होंने खेलों में हिस्सा लेने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन के रूप में 5,000 रुपए देने की घोषणा की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में कथित धन शोधन के एक मामले में लगातार दूसरे दिन मंगलवार को भी प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुए और जांच एजेंसी द्वारा उनसे पूछताछ जारी है। राहुल गांधी एपीजे अब्दुल कलाम रोड स्थित ईडी के मुख्यालय पहुंचे। उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके साथ मौजूद थी। ईडी ने कांग्रेस नेता से सोमवार को भी 10 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। इसके बाद ईडी ने राहुल गांधी से आज मंगलवार को दोबारा पेश होने के लिए कहा था। उधर राहुल गांधी की पेशी पर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सोमवार की तरह आज मंगलवार को भी प्रदर्शन किया और कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने आज मंगलवार को भी कांग्रेस मुख्यालय से लगे इलाके में धारा 144 लगा रखी है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा राहुल गांधी से की जा रही पूछताछ को लेकर जहां कांग्रेस का दूसरा दिन भी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है, वहीं दिल्ली में कांग्रेस नेता और पुलिस में नोकझोंक भी जारी है। ईडी दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं और समर्थकों का जमावड़ा है। ईडी की जांच को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल, अधीर रंजन चौधरी, गौरव गोगोई, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, रंजीत रंजन, इमरान प्रतापगढ़ी और अन्य को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर तुगलक रोड थाने में ले जाया जा रहा है। वहीं सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पी चिदम्बरम को पसली में चोट आई है। राजस्थान के भरतपुर जिले के हंसरा गांव के पास जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर 12% आरक्षण की मांग को लेकर सैनी समाज द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। रविवार से ही सैनी समाज के लोग अपनी मांग को लेकर यहां अड़े हुए हैं। प्रदर्शन के चलते जयपुर आगरा नेशनल हाईवे को जाम कर रखा है। भरतपुर जिले के अलावा दूर दूर से कई संख्या में लोग आंदोलन स्थल पर पहुंचे हैं। प्रशासनिक अधिकारी लगातार उनसे संपर्क कर रहे हैं और बार बार समझाने के प्रयास में हैं, लेकिन हर बार वार्ता विफल हो रही है। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक सरकार का कोई प्रतिनिधि मुलाकात कर उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं देता, तब तक वह जाम को नहीं खोलेंगे। यही कारण है कि अभी भी जयपुर आगरा नेशनल हाईवे जाम है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बीती 3 जून को जुमे की नमाज के बाद नई सड़क पर विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा के मामले में सरकार के सख्त आदेश के बाद पुलिस और जिला प्रशासन उपद्रवियों पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में खबर है कि जिला प्रशासन द्वारा कमिश्नरेट पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त टीम बनाते हुए उपद्रवियों की एक लिस्ट तैयार की जा रही है। इस लिस्ट को तैयार करवाने के पीछे मंशा है कि इन सभी उपद्रवियों को मिलने वाली सरकारी सेवाएं बंद की जाएंगी। इस लिस्ट को तैयार करने के पीछे मंशा साफ है कि जितने भी उपद्रवी चिन्हित होंगे उन सभी को सरकार द्वारा मिलने वाली मुफ्त राशन सेवा से वंचित कर दिया जाएगा। बता दें कि कानपुर पुलिस ने हिंसा के सिलसिले में कुल 54 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस के मुताबिक इस हिंसा के कथित मास्टरमाइंड जावेद अहमद, मोहम्मद सुफियान और मोहम्मद साहिल ने एटीएस यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड और एसआईटी की पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। बड़ी खबर बिहार से है, जहां मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को AK-47 और हैंड ग्रेनेड बरामदगी मामले में दोषी करार दिया गया है। उन्हें MP MLA कोर्ट ने दोषी करार दिया है।
सजा का ऐलान 21 जून को किया जाएगा। छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह के ठिकाने से AK-47 राइफल और हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया था। हालांकि मोकामा से विधायक अनंत सिंह ने इन आरोपों को खारिज किया है, लेकिन अब इस मामले में विशेष अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया है। बिहार की राजनीति के लिहाज से यह बड़ा घटनाक्रम है। भारत में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,594 नए मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि बीते रविवार के मुकाबले सोमवार को कोरोना केस की संख्या में 18% की कमी आई है। पिछले 24 घंटे में 4,035 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। देश में अब कोरोना के 50,548 एक्टिव केस हैं। देश में प्रतिदिन पॉजिटिविटी रेट 2.05% है, जबकि रिकवरी रेट 98.67% है। भारत में अब तक 195 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में 3,21,873 लोगों की टेस्टिंग भी की गई है। कोरोना से अब तक देश में 4,26,61,370 लोग ठीक हो चुके हैं। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।